हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, आज क्या है हम लोग का। आज हम लोग पढ़ेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम लोग ने क्लास इलेवंथ में लगभग सारे फर्स्ट वॉल्यूम जो आप लोग का है एम एल अग्रवाल का, उसमें से मैक्सिमम चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे पास दो चैप्टर उसमें बचे हुए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और एक चैप्टर बचा हमारे पास क्या एपी एंड जीपी, और क्वालिटी इक्वेशन के लास्ट के कुछ एक्सरसाइज जो है हमारे इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे तो टेंथ के ही पार्ट के, तो उसको आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो मान के चलिए तो तीन चैप्टर बचे, इसमें से हम लोग अब एक चैप्टर शुरू कर दिए, यानी कि दो चैप्टर और फर्स्ट वॉल्यूम आपके बचे रह गए। ठीक है, आइए परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है पहले समझा जाए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को शुरू करने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है। ठीक है, फैक्टोरियल नोटेशन जो लोग आप लोग में से कंप्यूटर पढ़ते होंगे वो लोग इससे जानकारी भी रखते होंगे, जो लोग कंप्यूटर नहीं पढ़ते होंगे उनके लिए नया चीज़ एकदम है। फैक्टोरियल मतलब होता क्या है, डिफाइंड किया गया, डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, एन नेचुरल नंबर का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एल के अंदर थोड़ा सा ऐसा एल बनाएगा, ये और ये लेंथ बराबर रहा है और ये एन, या एन के आगे एक्सक्लेमेटरी सिंबल। ठीक है, तो जो कंप्यूटर पढ़ते होंगे वो ये सिंबल के बारे में जानते होंगे ज्यादातर। ठीक है, लेकिन यूज हम लोग लिखने में ये करते हैं, रीजन ये है कि ये डॉट बनाने में कभी कभी पेन का डॉट छूट जाता है हमसे। ठीक है, जब डॉट बनाते हैं जैसे एन के बाद एक्सक्लेमेटरी सिंबल में से डॉट बनाया तो वो डॉट छूट जाता है, इसलिए हम लोग लिखने में ये सिंबल जनरली यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर करेंगे वो यही यूज करेंगे, कंप्यूटर में ये नहीं बनाते हम लोग, और जो हम लोग लिखते हैं तो हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, आइए अब देखा जाए होता क्या है। जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल ऑफ थ्री किसी ने लिखा तो ये प्रोडक्ट ऑफ थ्री नेचुरल नंबर्स होगा। तो फर्स्ट थ्री नेचुरल नंबर्स कौन कौन से भाई, वन टू एंड थ्री। देखिए तो वन इंटू टू इंटू थ्री, दिस विल बी सिक्स। ठीक है, प्रोडक्ट है, ध्यान रखिएगा प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब सबों का आपस में मल्टीप्लीकेशन होगा। फैक्टोरियल ऑफ फाइव लिखा तो क्या लिखेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, यानी कि 120। फैक्टोरियल सिक्स लिखेंगे कितना आएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि 720। फैक्टोरियल सेवन लिखेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो ये हो जाएगा कितना, 5040। ऐसे ही सो वन, आप कोई भी फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। ठीक है, जो अच्छा लगे वो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग वे में अगर हम लोग समझे थोड़ा, तो इसको देखिए ऐसे भी तो लिखा सकता है। फैक्टोरियल थ्री का मतलब हुआ क्या, तीन को लिखना शुरू करिए और एक एक कम करके कहां तक जाइए, नेचुरल नंबर कहां पर एंड होता है, एट वन पे। तो यानी कि हम लिख सकते हैं इसको थ्री इंटू टू इंटू वन। इसी तरह फैक्टोरियल फाइव लिखा तो फाइव फोर थ्री टू वन, वन पे ले जाके एंड कर देना है। नंबर सारे नेचुरल नंबर होना चाहिए, सबका किसमें होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, कोई भी नंबर ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब इस बेसिस पर थोड़ा देखिए, तो हमको बोला गया है फैक्टोरियल ऑफ वन जो होता है ये वन होता है और फैक्टोरियल ऑफ जीरो भी वन होता है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझ लिया जाए कि फैक्टोरियल ऑफ जीरो वन कैसे होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये सीखा जाए हम लोग। थोड़ा ध्यान सोचिएगा एक चीज थोड़ा देखिए यहां पर, अगर फैक्टोरियल थ्री मैंने यहां लिखा था तो इसको लिखा था मैंने थ्री इंटू टू इंटू वन। ठीक है, फैक्टोरियल फोर अगर मैं लिखूंगा फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। फैक्टोरियल फाइव अगर मैं लिखूं तो इसको लिखूंगा फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट को लिख सकते हैं थ्री फैक्टोरियल टू, इस पार्ट को लिख सकते हैं फोर फैक्टोरियल थ्री, इस पार्ट को लिख सकते हैं फाइव फैक्टोरियल फोर। दिख रहा है, तो यानी कि जो फैक्टोरियल के अंदर लिखा रहता है उसको मैं अगर फैक्टोरियल के बाहर निकालूं तो अंदर उससे एक कम बचता है। जो भी फैक्टोरियल के अंदर लिखा रहता है उसको अगर मैं बाहर निकालूं तो उससे अंदर एक कम बचता है। इस बेसिस पर अगर थोड़ा ध्यान से सोचा जाए तो फैक्टोरियल ऑफ एन अगर कहीं लिखा तो एन में अगर बाहर निकालूं तो अंदर फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन बचेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, इसका एक्सप्लेनेशन यहां पर आपके पास पड़ा हुआ है। तो यहां से अगर एन की वैल्यू मैं निकालनी चाहूं तो एन माइनस वन की, फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, दिस विल बी फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन एन। अब अगर एन की वैल्यू मैं वन इंसर्ट कर दूं तो देखिए फैक्टोरियल की वैल्यू यहां जीरो हो जाएगी, यहां फैक्टोरियल वन हो जाएगा, यहां वन हो जाएगा, तो फैक्टोरियल जीरो को लेकर यहां पर वन आ जाएगी। देखिए भाई फैक्टोरियल जीरो को लेकर आ जाएगी मेरे पास वन आ जाएगी, देखिए ध्यान से। तो ये फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन की होती है, इसके पीछे का लॉजिक भी आप समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद इस पर बेस्ड एक्सरसाइज जो हमारे बुक में दिया हुआ है, पहला एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर एट है हम लोग का। तो फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में आपको बात में डिटेल मैंने बता दिया, जो जो चीज़ें आपको याद रखनी है, फैक्टोरियल वन की वैल्यू वन, फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन होती है, कैसे होती है बता दिया मैंने। फैक्टोरियल के अंदर जब भी कोई भी, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा था फैक्टोरियल एन को एन फैक्टोरियल एन माइनस वन, मान लीजिए मैंने एन माइनस वन को भी बाहर निकाल दिया तो अंदर एक और कम बचेगा एन माइनस टू। मान लीजिए मैंने एन माइनस टू को भी बाहर निकाल दिया अगर, तो अंदर उससे एक कम बचेगा एन माइनस थ्री, तो हमेशा एक एक कम बचते जाएगा ये। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा भाई अपने दिमाग में आप लोग। चलिए अब आते हैं आगे। अब अगर हम लोग एम एल अग्रवाल के बारे में बात करें तो एम एल अग्रवाल का जो हम लोग का पहला एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर एट का 8.1,
तो उसको हम लोग प्रॉब्लम उसका सॉल्व भी कर लेते हैं ताकि आपके पास उसका सोल्यूशन भी हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाएगा भाई फैक्टोरियल के क्वेश्चन का, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.1। एक्सरसाइज 8.1 ऑफ ML अग्रवाल, ठीक है। आइए अब देखिए, सबसे पहले दिया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ, तो आपको सिंपल कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसमें एक चीज और समझ लीजिएगा आप लोग, पहला चीज जैसे फैक्टोरियल ऑफ m इंटू n का मतलब नहीं होता फैक्टोरियल ऑफ m इंटू फैक्टोरियल ऑफ n, ये नहीं होता। दूसरा फैक्टोरियल ऑफ m अपॉन n इज डजंट मीन फैक्टोरियल ऑफ m अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n, ठीक है। अगर ये नंबर कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इफ इट इज नॉट नेचुरल नंबर देन इट इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होता है भाई, ध्यान रखिएगा बात को। इसी तरह तीसरा चीज आप याद रख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव एन अनडिफाइंड है, ठीक है, और फ्रैक्शन में भी अनडिफाइंड हो गया। अगर ये नेचुरल नंबर रहेगा तब तो सॉल्व होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा रहिएगा भाई, फैक्टोरियल में मतलब बस बात होगी नेचुरल नंबर के बारे में, और कोई नंबर नहीं हो सकता। नेचुरल नेगेटिव नंबर भी आ गया तो भी अनडिफाइंड, बस एक एक्सेप्शन है, जीरो की वैल्यू भी वन होती है। विथ रीजन मैंने आपको बता दिया क्यों फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू वन हो जाती है, उसके पीछे का प्रूविंग भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आइए, अब आगे आते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर वन में देखिए फैक्टोरियल सिक्स मैंने भी आपको करा दिया, फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल थ्री आप निकाल लेंगे, फैक्टोरियल थर्ड पार्ट करते हैं, फर्स्ट का थर्ड पार्ट। देखिए फैक्टोरियल ऑफ नाइन माइनस सिक्स दिखा है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ थ्री, यानी कि सिक्स आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट देखते हैं इसी का। देखिए लिखा फैक्टोरियल ऑफ सिक्स माइनस फैक्टोरियल ऑफ फोर, फैक्टोरियल सिक्स हो गया कितना आपका 120 माइनस 24 यानी कितना हो जाएगा 96। फिफ्थ पार्ट देखा जाए इसका, फिफ्थ पार्ट में आपको लिखा क्या, फैक्टोरियल ऑफ थ्री इंटू फैक्टोरियल ऑफ फाइव, ये हो गया सिक्स, ये हो गया आपका 120, ये हो जाएगा कितना 720। सिक्स पार्ट देखा जाए, सिक्स पार्ट में आपको लिखा गया फैक्टोरियल ऑफ 88 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 86। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, फैक्टोरियल ऑफ 88 और फैक्टोरियल ऑफ 86, जब भी ऐसे डिवीजन के फॉर्म में कभी भी फैक्टोरियल के दो सिंबल अलग लगा जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कौन सा वाला फैक्टोरियल बड़ा है। तो भाई 88 और 86 में आपको बताएंगे भाई 88 वाला बड़ा है, ठीक है। 88 वाले को छोटे वाले के फॉर्म में हम लोग ब्रेक करके ले आते हैं, तो 88 में से अगर 88 बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा 87 अपॉन फैक्टोरियल 86। फिर मैंने बताया था अगर 87 भी मैं बाहर निकाल दूं तो अंदर बचेगा कितना 86, और यहां पे भी कितना है 86। देखिए भाई लोग कट गए आपस में, तो 88 इंटू 87 दिस विल बी आंसर, ये आपका आंसर हो गया भाई 88 इंटू 87, ये आपका प्रोडक्ट का आंसर हो गया। जो भी आगे प्रोडक्ट आपको उसको निकाल लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा फटाक से, ठीक है। फिर इसके नाइन्थ पार्ट पर आते हैं, बाकी आप ट्राई करिएगा, जो फंस जाता है फिर हमसे आप जरूर पूछिएगा भाई, कमेंट करके जरूर पूछिए, आपको जरूर वीडियो प्रोवाइड की जाती है, आप लोगों ने पिछले कुछ महीनों में देखा भी है। एन प्लस टू दिया है, तो एन प्लस टू अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो उससे एक कम बचेगा अंदर, अंदर क्या बचेगा एन प्लस वन, और नीचे भी कितना है एन प्लस वन। देखो भाई लोग कट गए, आंसर क्या आ जाएगा सिर्फ एन प्लस टू, दिस विल बी आंसर, ठीक है। तो इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके पास। क्वेश्चन नंबर वन मैंने आपको करा दिया, कुछ कॉन्सेप्ट थे की कॉन्सेप्ट जो उसको आपको दिमाग में बैठा रखना है, अदरवाइज बहुत दिक्कत होने लगेगी। जैसे आपको क्या बताया मैंने अभी, अगर दो फैक्टोरियल न्यूमरेटर और डिनोमेटर दोनों में होंगे तो हम लोग देखते हैं कौन सा वाला फैक्टोरियल बड़ा है, जो वाला फैक्टोरियल बड़ा होता है उसको छोटे वाले फॉर्म में ब्रेक करके लेकर आते हैं ताकि आपस में फैक्टोरियल वाले कट जाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े फैक्टोरियल को सॉल्व कर पाना बहुत पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए भाई आगे आते हैं, अगर कैलकुलेटर अलाउड रहेगा तब तो पॉसिबल है भाई, लेकिन भाई हम तो सबके साथ के लिए पढ़ रहे हैं ना भाई, बोर्ड्स में तो कैलकुलेटर मान लीजिए अलाउड है आपके आईएससी बोर्ड में, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वाले में तो अलाउड नहीं है भाई। फिर कोई कंपटीटिव एग्जाम देने गए तो वहाँ भी अलाउड नहीं है, तो वहाँ कैसे करेंगे। तो वो भी आपको समझ के चलना है, सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझना है भाई। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे, क्वेश्चन नंबर टू में देखिए दिया है कि फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर बताइए। अब एन और आर की वैल्यू कुछ दी हुई है तो इसका मैं सेकेंड पार्ट करा देता हूँ। सेकेंड पार्ट में एन की वैल्यू देखिए 9 दी हुई है और आर की वैल्यू 4 दी हुई है, तो ये हो जाएगा आपका कितना फैक्टोरियल ऑफ 5 यानी कि 120। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं भाई हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए लिखा फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर निकालिए। जो लोग कुछ
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में जानते होंगे, तो ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे भी एन और आर की वैल्यू दी हुई है, तो मैं इसमें क्वेश्चन नंबर टू इसमें से थर्ड और फोर्थ में करा देता हूँ मैं आपको। थर्ड में देखिए एन की वैल्यू दी हुई है 12 और आर की वैल्यू दी हुई है कितनी 3, तो देखिए कितना हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 12 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 9, 12 माइनस 3 9 हो जाएगा। मैंने क्या बताया 12 और 9 में से बड़ा कौन है 12, 12 को 9 के फॉर्म में तोड़ेंगे 12 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 11 बचेगा भाई, 11 बाहर निकालो कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 बाहर निकालो तो क्या बचेगा 9 बचेगा। देखिए 9 आ गया, 9 आ गया कट गया, तो भाई 132 इंटू 10 यानी कि 1320 दिस विल बी आंसर आवर। ठीक है, चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसी का। फोर्थ पार्ट में आर की वैल्यू बस 2 दी हुई है, तो ऊपर फैक्टोरियल एन ही रह गया, नीचे क्या हो गया एन माइनस 2। अब भाई एन और एन माइनस 2 में से कौन बड़ा है, तो आप बताकर से बताएंगे क्या होता है, एन बड़ा है भाई, एन में से एन नेचुरल नंबर है तो एन में से जब भी कुछ माइनस होगा तो छोटा होगा, तो एन बाहर अगर मैंने निकाला तो अंदर क्या बचेगा एन माइनस 1, अगर मैंने एन माइनस 1 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा एन माइनस 2, तो अब नीचे क्या बचा है भाई एन माइनस 2, दोनों भाई लोग कट गए क्या बच जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 दिस विल बी आंसर। ठीक है, ये आपका हो गया भाई। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए इसी तरह दिया है, उसको आप ट्राई करिए, जो नहीं आता फिर पूछ लीजिए। फोर्थ का थर्ड पार्ट मैं आपको करा देता हूं। फोर्थ का थर्ड पार्ट पे देखिए, देखिए ये भी जो है ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है, जो लोग जानते होंगे यूज टू होंगे या बाइनोमियल थ्योरम में देखा होगा, तो ये हम लोग यूज कर चुके हैं किसमें कॉम्बिनेशन फॉर्मूला। आर की वैल्यू 3 दी हुई है, तो फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3 फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 3, एन बाहर निकला एन माइनस 1 बचा, एन माइनस 1 बाहर निकला एन माइनस 2 बचा, एन माइनस 2 बाहर निकला एन माइनस 3 बचा, फैक्टोरियल 3 एन माइनस 3, तो ये हो जाएगा कितना एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई 6, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर आ गए आप लोग भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये इसमें कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है इसका तरीका मैंने भी आपको बता दिया है, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा भाई। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कौन कौन से कैसे कैसे ट्रू होता है, अभी आपको मैंने थ्योरम कुछ लिखवा दिया था। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, लिखा है 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 18। थोड़ा ध्यान से देखिए, सारे के सारे नंबर कॉन्टिन्यूस 3 के टेबल है, 3 टू 6 3 9 3 4 5 जा 15 और 6 जा 18। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 6। ध्यान दीजिएगा भाई बातों पर, गौर करिएगा बातों पर, सब में देखिए 3 पावर 6 बाहर आ गया तो अंदर बचेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब आप कहेंगे भाई ये 3 आप छोड़ के हो दिए, क्योंकि फैक्टोरियल में बताया मैंने नेचुरल नंबर आते हैं, कोई नेचुरल नंबर में से कोई नंबर मिसिंग नहीं होना चाहिए, तो भाई देखिए 3 मिसिंग हो जाता ना, तो ये 3 पावर 6 फैक्टोरियल ऑफ 6, ये हो गया आपका आंसर, दिस विल बी आंसर। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं 6 के सेकेंड पार्ट पर भाई। देखिए इसमें लिख के दिया कितना 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12 6 है, तो फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इसमें मिसिंग है, देखिए 5 मिसिंग है 6 7 12, नीचे लिख देंगे कितना 1 2 3 4 5, ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 12 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल ऑफ 5। देखिए कितना इजीली कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, कुछ क्वेश्चंस इसके तरह का मैंने बाइनोमियल थ्योरम में भी करवाए, उसको भी आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इसको भी ट्राई कर लिया जाए तो हमारा एक एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा और परम्यूटेशन में फैक्टोरियल नोटेशन जो हमारा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। भाई आप लोग में से जो लोग भी सिलेबस को लेकर चिंतित होंगे, सिलेबस को लेकर चिंतित एकदम मत होइएगा, सिलेबस विद इन टाइम खत्म होगा आपका, उसके लिए चिंता मुक्त रहिएगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास फैक्टोरियल ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1 दिया है। ठीक है, एन की वैल्यू पता करनी है हम लोग को, एन प्लस 1 बाहर निकला एन बचेगा, एन बाहर निकला तो एन माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 20 एन माइनस 1, एन माइनस 1 एन माइनस 1 कट गया, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 20 इक्वल टू 0, एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 4 एन माइनस 20 इक्वल टू 0, एन इक्वल्स टू माइनस 5 या एन इक्वल्स टू 4 और
तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये कंसिडर करेंगे खाली हम लोग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट पर। वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ फाइव प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ सिक्स इक्वल्स टू एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ सिक्स। फिर इसमें क्या करेंगे भाई, सबसे छोटा कौन सा, फैक्टोरियल ऑफ फाइव है, तो उसी के फॉर्म में हम लोग ब्रेक करेंगे। देखिए, वन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ फाइव प्लस वन अपॉन सिक्स फैक्टोरियल फाइव इक्वल्स टू एन अपॉन सिक्स फैक्टोरियल फाइव। देखिए, फैक्टोरियल फाइव नीचे से सारे कट गए, तो वन प्लस वन बाई सिक्स इक्वल्स टू एन बाई सिक्स, तो सेवन बाई सिक्स इक्वल्स टू एन बाई सिक्स, सिक्स सिक्स कट गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई, सेवन आ गई भाई। देखिए कितना इजीली सॉल्व हो जा रहा हमारा भाई। इसी तरह आप लोग ट्राई कर लेंगे थर्ड पार्ट। अब आते हैं हम लोग इसके फिफ्थ पार्ट पे, थर्ड और फोर्थ इसी जैसा कुछ है। अब इसका हम लोग फिफ्थ पार्ट ट्राई करके फटाक से खत्म कर दें एक्सरसाइज को, ताकि आपका ये एक एक्सरसाइज निपट जाएगा। अच्छा, इसमें जो है सर्कुलर परम्यूटेशन एक टॉपिक है, वो हमारे सिलेबस से हट चुका है, तो वीडियो तो मैं इसका भी प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि फिर फर्दर भाई आने वाले समय में तो हो ही सकता है कि वो आ जाए। ठीक है, तो वीडियो तो उसका मिल जाएगा, आपको मन करेगा तो आप उसको देख सकते हैं, नहीं मन करेगा तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। देखिए भाई, फिफ्थ पार्ट जो इसका है, लिखा है फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन टू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन फोर फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस फोर, दिस विल बी वन बाई सिक्स। देखिएगा भाई, एन एन कट जाएगा, टू टू ज़ा फोर कट जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस टू इक्वल्स टू वन बाई सिक्स। ठीक है, टू एन माइनस फोर, देखो भाई n माइनस टू बाहर निकलेगा तो n माइनस थ्री बचेगा, n माइनस थ्री बाहर निकलेगा तो n माइनस फोर बचेगा, ये हो जाएगा वन बाई सिक्स। देखिए भाई, ये लोग कट गए आपस में, तो आपका आ जाएगा कितना, ट्वेल्व इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस फाइव एन प्लस सिक्स। उधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर माइनस फाइव एन माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, तो क्या हो जाएगा भाई, एन स्क्वायर माइनस सिक्स एन प्लस एन माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो, तो एन की वैल्यू सिक्स होगी, या एन की वैल्यू कितनी होगी, माइनस वन। माइनस वन कंसिडर नहीं करेंगे, ये कंसिडर करेंगे एन की वैल्यू। अच्छा, आप लोग को नेगेटिव नंबर क्यों नहीं कंसिडर करें, इसके पीछे का रीजन मैंने नहीं बताया। नेगेटिव नंबर इसलिए कंसिडर नहीं करें क्योंकि फैक्टोरियल नोटेशन में क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर होता है, तो नेचुरल नंबर ही हम कंसिडर कर सकते हैं, नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर में आते नहीं, इसलिए हम लोग एन की वैल्यू नेगेटिव कंसिडर नहीं कर रहे हैं। सेम ही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, किसमें, बाइनोमियल थ्योरम में बताया था। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर वन कंप्लीट भी हो गया हमारा। ठीक है, बाकी इसमें जो भी आप लोगों को डाउट होता है, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको आप जरूर कमेंट करके पूछिएगा, एग्जांपल से हो, चाहे एक्सरसाइज से हो, चाहे कहीं से भी हो, किसी और बुक से भी पूछना हो, तो क्वेश्चन को आप लिख के कमेंट कर दीजिएगा, तो उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तब मिलते हैं सेकंड वीडियो में फिर आपसे, तब तक घर पर रहिए, सेफ रहिए, गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करते रहिए।